when it comes to acting. यहाँ पे क्या खास था जो आपको हिट किया सबसे ज्यादा? Because वो दिख रहा है, वो आँखों में दिख रहा है वो emotion. नहीं, एक जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मतलब बिल्कुल, मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था. अब उधर देखो और इधर देखो. अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे आप, उनसे बात करोगे. मैंने कहा नहीं, वो इंप्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो. तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा. और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी. उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो. और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से है, अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ है. मैं सच कहता हूँ, वो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया, इतना काटा यार. ऐसा बहुत काम करवाता है वो सुबह से लेकर शाम तक. मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूँगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवाता था. ये झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते हैं और काम करो, प्रॉब्लम ये. काफ़ी, मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी, हालांकि थक जाते थे हम. और इतना वर्बोस है ना, बहुत बोलना, बहुत बोलना, टेक्निकल है अंग्रेजी तो हमारी वैसे ही, मतलब वाह कमाल. तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कमाल के. बाकी के सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं हमारे हैं जो आर्टिस्ट है, बाद में बुला लो ऊपर. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे. पल्लवी जी, दिस वन्स फॉर यू. मुझे बताएं, जैसे मैंने कहा, विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, नारी शक्ति, ये है असली जो हमें देखने को मिली. और ऑफ कोर्स हमारी विमेन साइंटिस्ट्स, और साथ ही अगर आप यहाँ इस समय देखेंगे जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, दे आर जस्ट यू नो किलिंग इट, इफ आई कैन से दैट. तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. यू नो, इतने सारे कमाल के जर्नलिस्ट्स एंड फीमेल्स. आप मुझे बताएं आपकी जर्नी ये सब कैसी रही इसमें, और सर ने इस बार थोड़ा वो थोड़ा कष्ट दिया, या वॉज ही लाइक अ गुड डायरेक्टर दिस टाइम ऑल्सो? नो, ही इज ऑलवेज अ गुड डायरेक्टर. दिस वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. As always, it's fun working with Vivek. We've collaborated now for almost 3 films. But this became a very special film because under Dr. Bhargav's leadership, there were these bunch of scientists who were in their labs day and night, and together as a team, they made an impossible situation happen. We created our own vaccine. And this movie, while we were shooting for this movie, there was so much pride in our minds. Aur jis tarah hum sab jo actors yahan pe baithe hain, hum sab log, main aur mera scientist, hum sab logon ka yahi tha. And we all wanted to stay true to our characters. Aur itna zyada, jaise Vivek ne aur hamari puri research team ne jo interviews kiye the, itna zyada unhone apne aap ko समर्पित कर दिया था इस दौरान, उसके बिना ये होता भी नहीं पॉसिबल, इंक्लूडिंग डॉक्टर भार्गव. एंड आई थिंक व्हेन आई सॉ ऑल द इंटरव्यूज़, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक जो इंडिक फेमिनिज्म है, एंड आई कॉल इट इंडिक बिकॉज यू नो द वेस्ट लुक्स एट फेमिनिज्म फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस, लेकिन यहाँ पे हमारी जो महिलाएँ हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मिडिल क्लास वुमेन who go to their work daily, जो लोकल में ट्रैवल करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, खाना भी बनाती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, बच्चों का होमवर्क भी कराती है, और एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल भी हैं. तो हमें लगा कि दिस इज़ अ यू नो दिस विल बी अ वेरी गुड क्या कहें कि उनके लिए जैसे ये मूवी बनाई है, बिकॉज जितनी भी हमारी साइंटिस्ट इसमें हैं वो ऐसी ही हैं जो बिल्कुल हमारी जैसे बिल्कुल इंडियन वैल्यूज़ वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं वैसी हैं वो. एंड इट वाज फन प्लेइंग देम, एंड इट वाज ग्रेट कोलैबोरेटिंग विद डॉक्टर भार्गव, एंड ऑफ कोर्स विद नाना द लेजेंड. इट वाज ही सेट्स इम्पॉसिबल टारगेट्स फॉर ऑल द एक्टर्स. सो इन्हीं की वजह से मेरे ख्याल से सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया इसमें. अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. एंड नाउ ऑफ कोर्स द रियल लाइफ हीरो. डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंडिया कैन डू इट, व्हाट मेड यू बिलीव इन दिस कि इंडिया कैन डू इट, जो आपने वो कदम उठाया? पहले तो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट द मैवरिक ड्यूओ, द पल्लवी जोशी एंड विवेक. एंड नाना ने जो हमारा रोल मुझसे बिना मिले किया है, ही हैज़ नॉट मेट मी
and he wanted to do it on a plain piece of paper, and I think he has done tremendous amount of justice, not only to my role, but to the film, but to humanity, to science, and to India as a country. I think he has done it phenomenally well. Congratulations, sir. Bahut hi badhiya. We are grateful to you. तो वैक्सीन का, जैसे आप जानते हैं कि ये शतक भारत का शतक है, और इस शतक में जिस तरीके की हम लोग की लीडरशिप है, तो उससे हम लोग सबका हौसला बहुत बुलंद है, पूरे भारत के एक एक नागरिक का हौसला बुलंद है। और उस बुलंद हौसले से हम लोग ने देखा कि हम लोग के जो वैज्ञानिक हैं और जो सब रोल लोगों ने प्ले किया है, सामने बैठे हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि समय आपका थोड़ा लगा। चंद्रयान का वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि चंद्रयान में भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो IITs के सारे वैज्ञानिक हैं, वो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और उसमें चले जाते हैं, और जो रीजनल कॉलेजेस के वैज्ञानिक हैं और रीजनल छोटे छोटे कॉलेज, वो सब इसरो में हैं, उन्होंने मून पे पहुंचाया। तो इसलिए मेरी तो बिलीफ ये है कि ये शतक भारत का है, और भारतीय लोग जेनेटिकली टैलेंटेड है, जेनेटिकली टैलेंटेड है। वाओ सर, वाओ, थैंक यू सो मच सर, के लिए एक बार जोर